दोस्तों, जब भी हम मानव इतिहास पर नज़र डालते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात हमें पता चलती है, वो ये कि हमारा जीवन लगातार बदलता रहा है। किसी समय हम गुफाओं में रहा करते थे, आज हमारे पास शानदार एवं पक्के मकान है। एक समय था जब हम सर्दियों से अपने शरीर को बचाने के लिए जानवरों की खाल को खुद से लपेट लेते थे, लेकिन आज हमारे पास खूबसूरत एवं गर्म कपड़ों का निर्माण करने की क्षमता है। आदि मानव युग का इंसान शिकार करके ही अपना पेट भरता था, लेकिन आज हम भोजन को खरीद सकते हैं। यानी समय समय पर हमारा जीवन पूरी तरह से बदलता रहा है, लेकिन इस बदलाव के बावजूद भी एक चीज़ ऐसी है जो इंसानों ने नहीं छोड़ी, और वो है हमारी लड़ाई। हम आज से लाखों वर्ष पहले भी लड़ रहे थे और वर्तमान के हालात भी आपके सामने हैं। हाँ, लेकिन हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लड़ाइयों के यंत्रों यानी हथियारों में बदलाव जरूर आता रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में यही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मानवों की इन हथियारों से दोस्ती कितनी पुरानी है, हमने कब और कैसे हथियारों का प्रयोग सीखा, साथ ही हथियारों का मानव इतिहास में कितना उल्लेखनीय योगदान रहा है। वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा, और यदि इस चैनल पर आपका पहली बार आना हुआ है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हथियार बनाने के लिए बुद्धिमानी आवश्यक है, और मानव इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव है। हम इंसान, जिन्हें विज्ञान की भाषा में होमो सेपियंस कहा जाता है, के अस्तित्व से पहले की ही मानव प्रजातियां हथियारों का इस्तेमाल सीख चुकी थी। यहां तक के चिंपांजी एवं गोरिल्ला जैसे वानर भी अक्सर लाठी जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि होमिनिन यानी मानव जैसी प्रजातियों ने आज से लगभग 5 से 6 लाख वर्षों पहले ही हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। मुमकिन है कि इसके लिए हमने जानवरों से प्रेरणा ली होगी। जब हमने शेर जैसी बड़ी बिल्लियों को अपने नुकीले दांतों से शिकार करते हुए देखा, तो हमने नुकीलेपन के महत्व को जाना। हमारे पूर्वजों ने लगातार प्रयासों से यह जान लिया कि पत्थरों को आसानी से नुकीला बनाया जा सकता है। यदि आप किसी पत्थर को बीच से तोड़ते हैं तो अक्सर पत्थर नुकीले हो ही जाते हैं। पत्थर की ऐसी खूबी समझने में हमें बहुत अधिक समय नहीं लगा होगा, किंतु पत्थर को अधिक कुशल हथियार नहीं माना जा सकता। इसे कुशल हथियार के रूप में ढालने में हमें लाखों वर्षों का समय लग गया। इन लाखों वर्षों के एवोल्यूशन ने मानव प्रजाति में काफ़ी बदलाव किया, और वर्तमान से करीब 3 लाख वर्षों पहले होमो सेपियंस मानव अस्तित्व में आए, जो बुद्धिमानी में अपने पूर्वजों से कहीं अधिक उन्नत थे। साउथ अफ्रीका की प्राचीन गुफाओं में ऐसे सबूत मिले हैं कि अपने अस्तित्व की शुरुआत में ही यानी करीब 3 लाख वर्ष पहले ही होमो सेपियंस ने नुकीले पत्थरों को लाठियों से बांधकर भाले नुमा शानदार हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। इस तरह के हथियारों की मारक क्षमता बेहद शानदार थी, इतनी शानदार कि अब अधिकतर शिकार होने वाले जानवरों के मध्य में शेर जैसी बड़ी बिल्लियों की बजाय मानवों का खौफ फैल गया। घास चरने वाले जानवर हमसे दूर भागने लगे, वहीं भेड़ियों जैसे जानवर हमारे द्वारा छोड़े गए मांस को हासिल करने के लिए हमारे आसपास मंडराने लगे। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। होमो सेपियंस मानवों को हथियारों की आवश्यकता थी, सो उन्होंने हथियार बनाए। वहीं अपने समय की सबसे अधिक ताकतवर होमिनिन प्रजाति माने जाने वाले मानव, जिन्हें नियंडरथल नाम दिया गया है, वर्तमान यूरोप के आसपास निवास करते थे। वो शिकार के लिए अपनी ताकत पर ही निर्भर थे, लेकिन सर्द इलाकों में रहने के कारण नियंडरथल को अपना शरीर गर्म रखने हेतु आग के आसपास बने रहने की जरूरत महसूस हुई, जिस कारण उन्होंने आग को जलाने और जलती आग को बचाए रखने के तरीके सीखे। हालांकि ये माना जाता है कि नियंडरथल मानव अपनी ताकत के दम पर हमें यानी होमो सेपियंस को देखते ही मार डालते थे, लेकिन अब हमारे पास भाले जैसे शानदार हथियार थे, जिस कारण होमो सेपियंस ने अपना इलाका बढ़ाना शुरू कर दिया एवं अब हम नियंडरथल के इलाकों में भी घुसपैठ करके उनका मुकाबला करने लगे, जहां जाकर हमने आग के इस्तेमाल को भी जानना शुरू कर दिया। आग की खोज मानव जाति के परिवर्तन में जबरदस्त उछाल लाने वाली खोज थी। आग पर नियंत्रण हासिल करने के बाद हम विभिन्न वस्तुओं को जिज्ञासावश आग में गिराकर देखने लगे। हमने अपने शिकार के मांस को आग में गिराकर देखा तो मांस और भी अधिक स्वादिष्ट हो गया, जिस वजह से मांस अब हमारे आहार का मुख्य जरिया बन चुका था। दोस्तों, होमो सेपियंस मनुष्य एक सर्वाहारी जीव बन गया। ये माना जाता है कि जब तक आग की खोज नहीं हुई थी, तब तक हम केवल भूख और मजबूरी की स्थिति में ही मांस खाते थे, क्योंकि हमारा जबड़ा इतना मजबूत नहीं था जो कच्चे मांस को आसानी से चबा सके। लेकिन आग पर पकने के कारण मांस नरम हो गया, साथ ही अपने हथियारों के कारण हम जंगल के सबसे सफल शिकारी भी बन गए। अब हमारे पास भोजन के रूप में
पेड़ों पर लगने वाले फलों के साथ साथ भरपूर मात्रा में मांस भी था। भरपेट भोजन के कारण मनुष्य का अधिक समय अब भोजन हासिल करने की योजनाएं बनाने के लिए नहीं बीतता था, बल्कि अब हम अपना समय खुद की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए बिताने लगे, नई नई चीज़ों को जानने और समझने लगे, जिस वजह से अब हमारा दिमाग और भी अधिक तेजी से विकसित हो रहा था। किंतु दूसरे और वर्तमान से करीब 1.5 लाख वर्षों पहले तक नियंडरथल मानव हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन चुके थे। हमारी मुठभेड़ लगातार उन नियंडरथल्स के साथ होती थी जो हमसे कहीं अधिक ताकत रखते थे, इसलिए ऐसे ताकतवर प्राणियों को हराने हेतु हमें और भी शानदार हथियार बनाने की आवश्यकता थी। हमने कोशिशें की और एक ऐसा हथियार बनाया जो अगले लाखों वर्षों तक हमारे काम आ सकता था। यह हथियार था तीर और धनुष। आज हमें लगता है कि भला एक तीर धनुष बनाना क्या मुश्किल काम हो सकता है, एक पेड़ की लचीली टहनी को मोड़ कर किसी रस्सी से बांध दे और बन गया धनुष। किंतु हमारे पूर्वज इतना बड़ा दिमाग नहीं रखते थे जितना बड़ा दिमाग आज हमारे पास है। उन्हें तीर धनुष का इस्तेमाल सीखने में सैकड़ों वर्ष लग गए होंगे, लेकिन एक बार तीर धनुष हासिल करने पर अब हम नियंडरथल मानव के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे, क्योंकि नियंडरथल ऐसी खोज नहीं कर पाए थे, बल्कि वो तो अभी भी पत्थरों को हाथ में उठाए घूमते रहते थे जिनसे हमला करने के लिए अपने दुश्मन के अधिक करीब आना पड़ता है। वहीं तीर का निशाना भी बेहतरीन होता है, साथ ही तीर की मार अधिक दूरी तक होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि तीर धनुष के ही दम पर हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी नियंडरथल मानवों को हराया होगा और अब हम पृथ्वी की इकलौती समझदार प्रजाति बन चुके थे। अब हमें चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था, जिस वजह से हमारा फैलाव अफ्रीका से बाहर पूरी दुनिया में होने लगा। हालांकि आज से 1 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक हमारे हथियारों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन इस दौरान हमारी बुद्धिमानी लगातार बढ़ी। अब हम हर पीढ़ी के साथ और अधिक जानकार बनते गए और लगभग 6 से 7 हज़ार वर्ष पहले मध्य पूर्वी अफ्रीका में हमने चमकीले पत्थर खोजे जिन्हें मेलासाइट्स कहा जाता है। मेलासाइट एक कार्बोनेट खनिज है जिससे कॉपर कार्बोनेट यानी तांबा प्राप्त होता है। ये बड़े पत्थरों के रूप में दुनिया भर में फैला हुआ है, यानी तांबे की खोज अन्य धातुओं से काफ़ी आसान है, इसलिए मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु बनी। तांबा लोहे की तुलना में काफ़ी नरम भी होता है, जिस वजह से इसे बिना गर्म किए ही पीटते हुए विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। तांबे के पत्थर यानी मेलासाइट्स प्राचीन मानवों के लिए जादुई पत्थर रहे होंगे, क्योंकि अब तक हमने जितने भी पत्थर इस्तेमाल किए थे वो पत्थर पीटने से टूट जाते थे, परंतु तांबे के साथ ऐसा नहीं था, बल्कि तांबा पीटने से पतला एवं नुकीला होने लगता था, इसलिए ये खोज और भी बेहतर हथियारों को लेकर आई। जैसे जैसे मानव की कुशलता बढ़ी वैसे वैसे हमने अपने काम भी बांट लिए। वर्तमान से करीब 4 से 5 हज़ार वर्षों पूर्व कुछ लोग केवल हथियार बनाने के काम में लगे रहते थे तो कुछ केवल खेती करने में, वहीं कुछ शिकार जैसे कार्यों को निपटाते थे। यहीं से व्यापार की शुरुआत हुई, मतलब खेती करने वाले लोग या शिकार करने वाले लोग अनाज और मांस के बदले में हथियार बनाने वाले लोगों से हथियार ले लेते थे। साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम करते रहने से मानवों में कार्य कुशलता भी बढ़ने लगी और इस प्रणाली की वजह से आगे चलकर जाति प्रथा भी बनी। वास्तव में शुरुआती जाति प्रथा कार्य के आधार पर ही बनी होगी, जो कि अपने समय की बेहतरीन आवश्यकता थी। इस जाति प्रथा ने मानव विकास को और भी अधिक तेज किया, लेकिन आगे चलकर यही जाति प्रथा सामाजिक ऊंच नीच का दर्जा लेने लगी। देखा जाए तो आज जिन परंपराओं में हम ढले हुए हैं वो परंपराएं आज के समय अनुसार हमें गलत या सही लग सकती है, लेकिन उन परंपराओं को हमारे द्वारा अपनाने के कारण अपने समय में काफ़ी मजबूत रहे होंगे। हर वो वस्तु जो आज आसानी से हमारे पास पहुँच जाती है, उस वस्तु को हासिल करने की कामयाबी हमने कड़े संघर्ष से हासिल की है। आज हम समय के अनुसार हिंसा को भी गलत मानते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारा वजूद केवल हमारे हिंसात्मक रवैये के कारण ही है। इस हिंसात्मक रवैये की वजह से ही हमने नए नए हथियार बनाए। नियंडरथल और कई अन्य होमिनिन प्रजातियां जो एक दूसरे के खून की प्यासी थी को अपने रास्ते से हटाकर आज हम यानी होमो सेपियंस पिछले 3 लाख वर्षों से इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा राज आगे भी कायम रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।